तो आज ना हमने बस दो चीज़ों से यहाँ पर देखो फटाफट मोदक बना के तैयार किया है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया डेसिकेटेड नारियल का पाउडर, जो नारियल का बुरादा होता है, और यहाँ पर हमने ले लिया है 3 से 4 चम्मच खोया। तो ये ऑप्शनल है, खोया आप डाल भी सकते हो, अगर नहीं मन है तो नहीं भी डाल सकते हो। तो मेरे पास था इसलिए हमने इसमें डाल दिया, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, आपको गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क ना इसमें बस थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप कंडेंस मिल्क डालते हो तो चीनी मत डालना, और चीनी डालते हो तो ये फिर ये कंडेंस मिल्क मत डालना। तो यहाँ पर देखो हमने 1 चम्मच ले लिया है, और ये फ्रिज में रखा रहता है तो थोड़ा ये जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें और भी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, और इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो इसमें मुश्किल से 1.5 से 2 चम्मच लगेगा। इसमें जितनी ज़रूरत होगी उतने ही हम डालेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें नहीं डालेंगे, चाहे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी कट करके डाल सकते हो, और जो भी मन उसमें डाल सकते हो। आप फटाफट इसको आप मोदक बना सकते हो। देखो लड्डू के जैसे बन गया है। तो यहाँ पर हमने मोदक बनाने वाला ये मशीन ले लिया है, इसमें थोड़ी सी हमने घी लगा दिया है। इसको हमें पहले बंद कर लेना है, और बंद करने के बाद इसको हमें इसमें भर देना है। तो अच्छे से इस मिक्सचर को इसमें हमें भरना है। पहले इसको अच्छे से पकड़ ले, खुला ना रहे, और इसको आप चारों तरफ से अच्छे से इसको भर दे। जितना अच्छे से इसको भरोगे, सेट करोगे, उतने अच्छे से मोदक में निखर के ही आएगा। तो इसी तरह से हम इसको देखो पूरे भर दिए हैं, और ये बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप बना के इसे तैयार कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये बन गया, और इसको हम ना नीचे से खोलेंगे, नीचे से थोड़ा सा हल्का सा जोड़ लगा के ये खुल जाता है। तो देखो यहाँ पर हमने एक बना के तैयार किया, और कुछ भी नहीं लगा, कितना कम टाइम लगा। अगर आप कलर बनाना चाहते हो तो इसमें थोड़ी सी फूड कलर डाल दो, जो भी फूड कलर है आपके पास। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी फूड कलर, ऑरेंज कलर को मैं डाल रही हूँ। और थोड़ी सी कलर डालने के बाद आप इसको जितना मिक्स करोगे उतना कलर आ जाता है। तो देखो इसी तरह से हम यहाँ पर सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। तो हम एक एक करके साड़ी मोदक बना के इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बनाना कितना आसान है देख लिया आपने। आपको बस दो चीज़ों से, कंडेंस मिल्क और डेसिकेटेड जो नारियल का पाउडर आता है या नारियल का बुरादा, एक ही चीज़ है दोनों। तो वो मिला के आप बिना गैस जलाए हुए 2 मिनट में बना के तैयार कर सकते हो। तो देखो इसी तरह से आपको ना अच्छे से इसको पहले फिल कर लेना है। जितना अच्छे से फिल करोगे उतने अच्छे से ये निखर के आएगा देखो। और नीचे से ना हल्का ऐसे जोड़ लगाओगे ये खुल जाता है। तो इसी तरह आप फटाफट बना के तैयार कर सकते हो। अब या कलर में बनाना चाहते हो तो कलर में बना लो, या व्हाइट बनाना चाहते हो तो आप व्हाइट बना लो। तो आपकी मर्जी है, जैसे ही हो सके उसे बना सकते हो। देखो इसी तरह हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत इजी है बनाना, और आप भी, अगर आपको भी मन हो तो आप भी बना सकते हो भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो आज गणेश चतुर्थी है। तो यहाँ पर देखो हमने फिर से एक और बना लिया, और इसी तरह हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। इसी तरह हमने देखो पूरे बना के तैयार कर लिया है।